कि पाकिस्तान की कौम मुझे 50 साल से जानती है, कोई और पाकिस्तानी नहीं है जिसको 50 साल से कौम जानती हो। 50 साल से मैं मीडिया पे हूं, मेरी जिंदगी पब्लिक है, छुपी हुई जिंदगी नहीं है। जो मैं था कौम जानती है, जो था कमजोरियां भी थी, अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी, लेकिन कोई चीज कौम से छुपी नहीं रही। बाहर के अखबारों में इंटरनेशनल मेरे ऊपर तबसरे हुए हुए हैं, वहां भी बात करते हैं मेरी क्या ताकत और कमजोरी थी। लेकिन एक चीज 50 साल में सारी कौम जानती है कि इमरान खान ने कभी पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा। कभी भी इमरान खान जब क्रिकेट खेलता था, मैच फिक्सिंग में इमरान खान का नाम नहीं आया। अगर कोई क्रिकेट दुनिया में जानता था इमरान खान को क्रिकेट के अलावा, तो ये वो कप्तान जानता था जो दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, यानी कि मुनसिफाना फैसले हों क्रिकेट में। पहला कप्तान था दुनिया में जिसने कैंपेन चला के, और आज अगर क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हैं तो वो इमरान खान की वजह से, कि जीते भी तो हम ईमानदारी से जीते। उससे पहले पाकिस्तान में जब कोई टीमें मैच हारती थी वो कहती थी अंपायरों की वजह से हार गए। इमरान खान के दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि मैं जो आज यहां जमान पाक में बैठा हूं, मैं अपनी कौम से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान ने कोई जुर्म किया है? 96 मुकदमे केसेस मेरे ऊपर कर दिए, 96 दहशतगर्दी, कत्ल, तौहीन मजहब, गद्दारी, हर किस्म का केस। जब मैं घर से बाहर निकलता और नए केसेस हो जाते हैं। और केस कौन कर रहे हैं ये जरा गौर से सुने। केस वो लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम हैं, 30 सालों से साबित कर रहे हैं।